কেন গায় জুনা কাপড়ালে আমনে কি কাপড়টা দিয়ে দেই এখন পিটা कैसे चिड़ैया राहत किसके क्या बोला क्या बोला तब क्या ये जो झाड़ है ना इसकी वजह से इतना जिसने लगाया भगवान उसको लंबी उम्र दे लालू का मन लेकिन इतना छांव दिया है ना इतना छांव दिया है ये पेड़ इसकी अहमियत समझ में आ रही है ये केला मम्मी बड़ा अच्छा किए ये मम्मी अंदर मत रखो इसको ना धूप में रखो छत पे संदीप आ जा नहीं नहीं मैं मोबाइल पे ध्यान नहीं दूंगी मैं सीढ़ी पे ध्यान दूंगी ठीक है मोमो हाँ मम्मा सीढ़ी लेकिन पापा ना छोटी छोटी बनवाए हैं आखिर खा गई ना मम्मी कौन जमाने का एक्सपायर नमकी रह मम्मी कहाँ है मम्मी हम लोग गए थे डमरूवाड़ी नहीं
कहाँ कुर्सी है रंजीत? कुछ काम है। मम्मी कैसी लग रही चूड़ी? ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ ताला मारा था घरवा में, राहुल मारा है ना? डमरूवाड़ी गई थी मैं, पता कैसा लग रहा था कि मैं अभी भी छोटी हूँ और उधर ही बैठी हूँ, उधर घूम रही हूँ, उधर ही खाना बना रही हूँ, पिछवरवा घूमे गल बाटी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ, अगर वो बाड़ी ना कटी होती ना तो पूरा फील मुझे बचपन वाला ही आता, मतलब कि अभी भी मैं उधर ही हूँ, डमरूवाड़ी में हम लोग हैं, ऐसा लग रहा था। तो बाबू कुछ खिलाएगा कि नहीं? बाबू जब मैं बोलती कुछ खिलाएगा कि नहीं तो हंसता है। बाबू कुछ खिलाएगा कि नहीं? पता है वो क्यों हंसता है? दीदी मुझसे बोल रही खिलाएगा कि नहीं, खुद खिलाना चाहिए दीदी को। तुम तो ये इसकी जो हंसी है ना बता रहा है कि दीदी को खिलाना चाहिए। दीदी कह रही है कि कुछ खिलाएगा कि नहीं? बाबू कुछ खिला दे या कुछ पिला दे, पानी पिला दे, इतना तो कर ही सकता है। पानी पानी तो पानी आ रहा है ना, कपड़ा खराब है। चलो मैं जाता हूं अब, यही रहो सामने, चलो एक साथ चलें। शादी की ताकत है, उनके लड़के से मिल लेते एक बार, वो बात नहीं, बाद में एक ही से कर, उनके लड़का से मिलेगा रहा है वो, राजू अंकल के लड़का से। राजू अंकल को उधर रखा ना, वो बात उनका लड़का जरा काम करे ना। मम्मी केला पकने वाला है, तोड़ के दे दो मुझको और थोड़ा इनको दे दो। केल आपके घर पे जो केला है पका कि नहीं? पक गया कि काला हो गया था, लेकिन मजा आया खाने में, एकदम मीठा हो चुका था। ओह माय गॉड, संदीप बहुत खपा हुआ। मेरे पापा की मेहनत है, बाबा की कृपा है, सब साथ में हो रहा है। पापा मेरे दिन भर लगे रहते हैं, बाबा करवा रहे हैं कि जाएं कैसे, उधर जाते हैं, कहीं से जगह ही नहीं है। पापा मुझको तो आदत है भाई भंगारों का पे चढ़ने का, बचपन से मैं ये सब की हूँ। ये बन गया हमारा नया घर, बना नहीं ये बन रहा है, ये छत डल गया, काफी बड़ा दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे घर बन जाए तो रहने के लिए उत्तम है कि नहीं? ये खिड़की थोड़ी और बड़ी करनी चाहिए पापा को। बड़ा नहीं हो तो भी यहाँ पे एक खिड़की इधर, एक खिड़की उधर, एक ये, तब थोड़ा अच्छा लगेगा, सही है ना रहने के लिए? बड़े बड़े रूम निकल जाएंगे ना। ऊपर ये प्लानिंग है पापा का कि ऊपर रहो नीचे अपना धंधा करो। इसके ऊपर एक और छत बनवाने वाले हैं, है ना? इसकी स्ट्रेंथ पूरी है दीवार की, इसकी दीवार की नहीं है। ये देखो केला, केला भी काफी बड़ा बड़ा हो गया है। कैसा लग रहा है बताओ ना, आपको खुशी हुई कि नहीं? अब अगले साल जब आप आओगे ना तो आप स्टेशन नहीं जाओगे, आप आपको इधर ही आना पड़ेगा, समझ रहे हो? सुनता की शादी के बाद तुरंत यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। प्रदीप तो बहुत गुस्सा आता है, बोलता मेरा बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा। गाय देखो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। कहाँ पे क्या भरना है क्या रखना है सब पता है उसको।
चलूंगी। चलो चलो, देखो मेरा बाबू कितना मेहनत कर रहा है। बचपन से यही सब, यही सब मैं खेली खेली कूदी हूँ, इधर इसमें पैदा हुई हूँ, समझ रहे हो, ये यही मेरा सब कुछ है। अन्नदन मम्मी केलवा तो पक गया है, हाँ काटने लायक हो गया है। मम्मी अगर काट देती तो बाबा के चरणों में चढ़ा देती मैं जाके। बहने तक रही, कल ही जाना है मुझको। हाँ इतना ही, कल वापस मैं देखूंगी तो आ जाऊंगी। हाँ डमरुवाड़ी भी गई थी। बेटी हम लोग जा रहे हैं। पापा आज गए थे दोलसा महाराज के, दोलसा महाराज। हाँ मम्मी जा रहे हैं। हाँ दत्ती 2 किलो डाल दिया हूँ। मम्मी जा रहे हैं जा रहे फिर आएंगे।